हेलो गाइस एंड वेलकम टू बॉलीवुड खबर। तो आज रिलीज़ हुआ है सूर्यवंशी का ट्रेलर। सूर्यवंशी वो फिल्म है जिसका अक्षय कुमार के ही नहीं बल्कि रणवीर सिंह, अजय देवगन और कैटरीना कैफ के फैंस भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। साल 2020 की मोस्ट अवेटिंग फिल्म सूर्यवंशी का ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है। फिल्म का ट्रेलर पूरे 4 मिनट का है। एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज स्टंट से भरपूर है सूर्यवंशी का ट्रेलर। फिल्म की कहानी मुंबई के आतंकी हमले पर बेस्ड है। 1993 सीरियल ब्लास्ट, मुंबई लोकल और ताज होटल पर आतंकी हमले के बाद लश्कर के आतंकी शहर में बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं और शहर को बचाने की जिम्मेदारी एंटी टेरर स्क्वाड के अधिकारी वी सूर्यवंशी को दी गई है। फिल्म में कैटरीना कैफ अक्षय की वाइफ का रोल निभा रही है। ट्रेलर में सिम्भा यानी रणवीर सिंह और सिंगम यानी अजय देवगन को भी दिखाया गया है। ट्रेलर में कई डायलॉग्स बहुत ही असरदार हैं। वहीं जब अक्षय अजय से पूछते हैं, तुम गाड़ी हर बार ऐसे घुमा घुमा के एंट्री क्यों करते हो, तो अजय बोलते हैं कि तुम क्यों हर बार हेलीकॉप्टर पर लटक आते हो। ऐसे में रणवीर सिंह बोलते हैं कि किसका ज़्यादा बड़ा है एंट्री, ये छोड़ो चलो दुश्मन से लड़ो। इसके अलावा भी फिल्म में कई डायलॉग्स हैं जो बहुत असर छोड़ते हैं। जैसा कि रोहित शेट्टी की फिल्मों में होता ही है, ढेर सारा स्टंट, गाड़ियों को हवा में उछालना, एंटरटेनमेंट का फुल डोज, ये सब सूर्यवंशी के ट्रेलर में अच्छे से नज़र आया है। फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। ट्रेलर में एक साथ अक्षय, अजय और रणवीर को आतंकवादियों से लड़ते हुए देख लोगों को बहुत अपील हो रही है। कैटरीना कैफ को भी ट्रेलर में अच्छा टाइम दिया गया है। अक्षय और कैटरीना की एक बेटी भी है। रोहित शेट्टी द्वारा निर्धारित यह फिल्म पहले ही बहुत सुर्खियां बटोर चुकी है। पहले यह फिल्म 27 मार्च को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब यह फिल्म 24 मार्च को सिनेमाघरों में आ रही है। इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट, करण जौहर और रोहित शेट्टी ने मिलकर बनाया है। धन्यवाद।